Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. Alaikum Assalam, Uruj is here and I'm just waiting for Uruj to add her and I'm ready to Uruj. Bhi hai Jahazeb, I hope you're doing great. Walaikum Assalam, Ujji beta. Maimuna Javed, Walaikum Assalam. Mansoor Sahab, Walaikum Assalam. And Uruj is connecting. Tabinda, Assalam, Walaikum Assalam. Shaheen, Walaikum Assalam. Uruj is here. Wah. Salman, Saima, Walaikum Assalam. Ab sabko advance mein salam de do. Kyunki sabka jawab to nahi de sakte na. Sabko Assalam Alaikum. Ye aaj topa pehna hai. Ye barish ho rahi thi. नहीं बारिश पता नहीं आज मैंने हुई थी सुबह शायद लेकिन मैं देखी नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा. आज मैं काम कर रही थी, मैंने एंजॉय किया थोड़ा सा बाहर, वेदर बहुत अच्छा था. बट फिर मैं काम कर रही थी बहुत सारा. आज मैं विनर्स की सारी लिस्ट को वो कर रही थी. हाँ. निकाल रही थी, फिर मैंने कहा मैं एक दफा चढ़ा दूं बिकॉज कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट नहीं किया और हम एक साथ ही कॉइन बॉक्स बनाएंगे सारे. सो आई वॉज वेटिंग कि अगर एक दो दिन में बाकी लोग कॉन्टेक्ट कर लें तो मैं पूरे कॉइन बॉक्स बना लूँ, बनवा लूँ आपसे, बना क्या लूँ. बट द थिंग इज मैंने कहा आज विनर की लिस्ट फाइनल कर दूँ, फिर देन बिफोर ईद वी विल सेंड द बुक्स एंड एवरीथिंग ना. तो लोगों से कह दो कि जो विनर थे बुक्स के और कॉइन बॉक्स के वो हमसे राब्ता करें, नंबर लिख लो. अदनान को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, सब कुछ कर डाल दिया मैंने. लोगों ने देखा ही नहीं परसों. हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो पूरी कर दी ना, घर तो नहीं जा सकते. बहुत शुक्रिया सिदरा खान, ये उरूज की आइडिया थी कि रमजान में हम जाहिर कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, और हम मोटरसाइकिल और सोने की बजाय हम इल्म को कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाए. तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से. उरूज अपना वक्त निकालती है, वहां पे 9 बजे होते हैं, खाने का टाइम होता है, बट शी इज टेकिंग आउट टाइम. अशफान की बहुत बहुत शुक्रिया, अशफान का खाना खाना, अशफान का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो तुम्हें ये वक्त दे रहा है कि चलो कर लो ये प्रोग्राम, वरना उसे भी भूख लगती है, उसका भी टाइम होता है डिनर टाइम. राइट, तो इज अ वेरी नाइस हस्बैंड माशाल्लाह. मेरा दामाद बहुत अच्छा आदमी है वैसे भाई. अच्छा जी, और बताइए. अच्छा भाई, आज एक अजीब गरीब चीज हुई, नाम नहीं बता सकता. मेरे पास आज शाम को कोई 4:30 के करीब एक पार्सल आया. अच्छा, एनोनिमस, पता नहीं किसने भेजा है. और मैं हैरान हो गया जब मैंने खोला, तो मैंने कहा मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया कोई भी, तो पता नहीं किसने दिया, बट एनीवे जिसने भी दिया उसको शुक्रिया. और कहने कि मैं नॉर्मली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता. आपको नहीं, सिर्फ मुझे भी आई थी. मुझे भी ऐसे बड़े सारे एनोनिमस जो है ना वो बैग्स मिलते रहे. हाँ. और आपको तो एनोनिमस तो मुझे ही बड़े मिलते रहे, और कोई बात नहीं, पता कर लेंगे. अच्छा सादिया, इंशाल्लाह थैंक्स ईद के बाद. आज जो हमारा मेन टॉपिक था ना, असल में मेरा गला खराब है तो मैं वो विक्स खा रही हूँ, ठीक है, सो डोंट माइंड मी. आज जो हमारा मेन टॉपिक है ना इज मेन जो हम लेके चलेंगे आज, स्ट्रेस को लेके चलेंगे, इज बिकॉज बड़ी मुझे खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि उनको बुक, यू नो, बुक मिली एंड दे गोना रीड द बुक. और कॉइन बॉक्स के लिए तो फिर डॉक्टर मोइज ने आज कल सजेस्ट किया कि व्हाई नॉट गिव देम the our stress management series and sleep deep relaxation series. So we're going to talk about stress and whoever share this video as much as they can and more and write their name, we're going to put them name in a contest. Or phir on Thursday, right, on Thursday we're going to give Friday. Them Friday. We're going to do Friday. I won't be there. Kahan ja rahi ho? Because Friday ghar pe daawat hai. कितने बजे? 10 मिनट के लिए आ जाना. हाँ ठीक है, 10 मिनट के लिए आ जाओगे. बिकॉज एक चीज मैं बता दूं कि कल फिर ताक रात है, फ्राइडे को हमारा लास्ट शो होगा क्योंकि 31 तारीख होगी ना, तो उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि 1 जून से लोग तैयारी करने जाते ना, रात को शॉपिंग वगैरह होती है तो लोग जाए शॉपिंग करें बच्चों के लिए अपने लिए, तो फिर हम ईद के बाद रेगुलर हमारा थर्सडे लेक्चर शुरू हो जाएगा. 13 से याद रखिएगा, 13 से थर्सडे को एवरी थर्सडे मगरिब की नमाज के बाद लाइव लेक्चर फेसबुक पे होता है जो 1 आवर का होता है, जिसमें सारे इल्मिया गुफ्तगू होती है और हम उसको उस पर बात करते हैं. तो अपने सवाल आप ईमेल के जरिए भेजा करें. और कल नहीं होगा हमारा सेशन, अब परसों होगा और वो लास्ट सेशन होगा जिसमें हम बैलेटिंग करेंगे. आपको दो CD हमारे पास है,
جو لوگ چاہتے ہیں کہ سی ڈی میں ہم ان کا نام جان دیں بیلٹنگ میں، برائے کرم اپنا نام اس وقت لکھیں اور شہر لکھیں اور لکھیں سی ڈی، انٹرسٹڈ ان سی ڈی، تو ہم آپ کو، میں سی ڈی دکھا دوں روز ان کو، سی ڈی بھی دکھا دیں، the people who gonna share it in the video. ہاں شیئر کریں گے، تو اب میں سی ڈی دکھا رہا ہوں، تیار رہے جی. مائنڈ پاور، ڈیپ ریلیکسیشن، اور یہ وہ سی ڈی ہے جس کو سننے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، تو نیند نہ آتی اور سٹریس آپ کو ہو یا ویسے تو بڑی اچھی آپ کی سی ڈی ہے. ہاں یہ والی ہے میری پکچر، بہت اچھی پکچر ہے. اچھا یہ سی ڈی جو ہے اس کو جادو کی سی ڈی بھی کہتے ہیں امریکہ میں، لوگوں نے سی ڈی سننے کے بعد دوسرے ہال میں سے دوسروں کے ورک شاپ چھوڑ کے وہ اس ورک شاپ میں آ گئے تھے. اور یہ ہے ہماری سٹریس پاور، سٹریس بہت بڑی قوت ہے، اس کو استعمال کریں کہ کس طرح اسے اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کریں. سٹریس پاور کی سی ڈی ہے اور اس میں لکھا ہے ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، سلیپ ڈس آرڈر وغیرہ میں بڑی ہیلپ کر سکتی ہے یہ آپ کو. تو آپ لوگ لکھیں انٹرسٹڈ ان سی ڈی، اپنا نام لکھیں، شیئر لکھیں پلیز، اور شیئر کریں ویڈیو کو، کیونکہ اگر آپ زیادہ شیئر کریں گے تو آپ کا ایک سے زیادہ انٹری جائے گی اس کے اندر، اور ہم آپ کو کمپلیمنٹری آپ کے ود ان پاکستان ہم آپ کے گھر پہنچائیں گی سی ڈی تھرو ٹی سی ایس. کمپلیمنٹری بٹ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو یو ہیو ٹو گیو دی میلنگ چارجز، سی ڈی آپ کی پھر بھی کمپلیمنٹری ہوگی. سو سر لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹریس، بڑے سارے کوشچن ہیں، اور ایس کے نے ایک، ایس کے آئی تھنک نیم از ایس کے، اور مے بی آئی ایم پروناؤنسنگ رانگ، اف آئی ایم آئی ایم سو سوری، پوچھا فی 5G کے افیکٹس کے بارے میں. سو اٹس اے لانگ ڈسکشن، واٹ آئی ایم گونا ڈو، آئی ایم گونا شیئر سم آف مائی ریسرچ دیٹ آئی ہیو ڈن آن مائی اکاؤنٹ اینڈ آن ڈاکٹر موزیسنز پیج ایز ویل. سو یو آلسو ول گیٹ دی ڈیٹیل آنسر فار دیٹ، اینڈ اے لاٹ آف پیپل ہو آر یو نو who are into technology will get a lot of answers for that. Achha sir, what is stress? Achha ji, stress ko hum kahenge, it's an engineering term. 17th sadi mein ye engineers ne isko coin kiya, yani is word ko develop kiya. Aur stress ka matlab ye hai ki jahan koi khichav ho bahut zyada, jaise ek rubber band aap le, usko khenche khenche dono taraf se na, ek waqt aayega jab wo rubber band toot jayega. جتنی بھی لچک ہو ایونچولی اٹ از گوئنگ ٹو ٹیئر اپارٹ. تو انسان کی زندگی میں بھی ذہنی تناؤ، جسمانی تناؤ، اس کے بعد ایموشنل، جذباتی اور روحانی، یہ چار قسم کے تناؤ ہوتے ہیں ساری زندگی. اور سٹریس ایک ایسی امیزنگ چیز بھی ہے کہ جسے اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے. اچھا اب سٹریس کے بارے میں اتنا سمجھ لیں کہ ایک بڑی ریسرچ ہوئی تھی، دو انشورنس کمپنی نے امریکہ میں ایک پروجیکٹ لیا تھا کہ جو لوگ ہم سے اپنی لائف انشورنس کراتے ہیں ان میں سے کس بندے کو جلدی مطلب چلا جائے گا دنیا سے، تاکہ ظاہر ہے ان کو کلیم دینا پڑے گا. تو وہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، جب آپ انشورنس خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں نہیں پیتے، آپ کی پرسنالٹی، آپ الکوہل پیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا پریمیم طے کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ریسرچ کروائی تو انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی. پہلی چیز تو یہ سامنے آئی کہ سٹریس از دا نمبر ون کلر، یعنی دنیا میں جو اموات کا سب سے خطرناک ہے، جو موت لاتا ہے، وہ سٹریس ہے. اچھا عام آدمی کو نہیں پتا کہ سٹریس کیا چیز ہے. جب آپ کی زندگی میں کسی قسم کا تناؤ بڑھ جائے، پریشر بڑھ جائے، اسے سٹریس کہتے ہیں، اور وہ پورے جسمانی نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو سٹریس ہوتا ہے، آپ کی گلینڈز میں ایک گلینڈ ہوتی ہے، نہیں پیٹیوٹری گلینڈ، سب سے پہلے وہ متاثر ہوتی ہے. پیٹیوٹری گلینڈ جو ہارمون ڈالتی ہے بلڈ میں ڈائریکٹلی، اس کی وسکوسٹی چینج ہو جاتی ہے. وسکوسٹی کہتے ہیں گاڑھے پن کو. تو وہ جو ہارمون ہے جو کہ آپ کی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس ہارمون کی وجہ سے آپ کا جسم مختلف قسم کے ہارمون پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ سٹریس سے متاثر ہوتا ہے پیٹیوٹری گلینڈ آپ کی. یہ برین میں ایک گلینڈ ہوتی ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کسی دور میں ہم سمجھتے تھے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے بزنسز والے ہیں، آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، انہی کو سٹریس ہوتا ہے. تحقیق یہ کہتی ہے کہ جس زمانے میں انسان غار میں رہتا تھا، اس زمانے میں بھی اس کو سٹریس تھا. مثلا خوراک کی تلاش کا سٹریس، راستہ بھول جانے کا سٹریس،
दुश्मनों से, दूसरे कबाइल के दुश्मनों से अपने घर वालों को बचाने का स्ट्रेस, जंगली जानवरों से हिफाजत का स्ट्रेस, खतरनाक मौसम होते थे ज़ाहिर है उस जमाने में, तो ऐसे बड़े घर वर नहीं थे, गारों में लोग रहते थे, उसका स्ट्रेस, तो ये तमाम स्ट्रेस उनको होते थे, मगर उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी इतनी डिफरेंट थी कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज और वायरसेस कम थे दुनिया में, खुराक बड़ी सादा थी, मेहनत मुशक्कत बहुत करते थे, तो इतना असर उनको स्ट्रेस का नहीं होता था, लेकिन स्ट्रेस होता था। अब चार एरियाज आइडेंटिफाई किए स्ट्रेस के, मैं निपा के अंदर तुम्हें पता है ना दो वर्कशॉप्स कराता हूँ, स्ट्रेस पे कराता हूँ, नाइन अब तो ना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रेड 18 और 19 को करवाता हूँ मैं, जो प्रमोशन हो रही होती जिनकी, तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक मैं कराता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस की बड़ी कमी है लोगों में, कि कई दफा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। जिस कौम में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी वो कौम जिंदगी में तरक्की करेगी। हमारे अंदर इमोशंस बहुत है, हम बड़ी इमोशनल कौम है, मगर इंटेलिजेंस इमोशनल हमारे में कम है, कि उस इमोशन को कहाँ यूज करना। ठीक है, तो अब चार एरियाज आइडेंटिफाई किए साइंसदानों ने। पहला आइडेंटिफाई किया कि फिजिकल स्ट्रेस। अब आप देखें आपके सर के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर है, वजन है ना ग्रेविटी का मुसलसल, जिससे आपकी स्पाइन के ऊपर कंटिन्यूसली वेट पड़ता है, आपके जिस्म के जितने आजा हैं, नर्व्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, वो कंटिन्यूसली कंप्रेशन में रहती है, फिर आप काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आपके जॉइंट्स मूव होते हैं, ये सारा फिजिकल स्ट्रेस कॉज होता है। तो फिजिकल स्ट्रेस के लिए कहते हैं कि योगा या एक्सरसाइजेस करने की आदत डालें आप, तो आपका फिजिकल स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म नहीं किया जा सकता, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। दूसरी चीज इमोशनल स्ट्रेस, कोई अजीज रिश्तेदार मर गया, और कभी ये हुआ कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, कोई रिश्ता जो है वो तलाक हो गई उसके अंदर, या आपकी पसंद की शादी ना हो सकी, औलाद जो है वो बदतमीज निकली, नाफरमान निकली, तो ये तमाम चीजें स्ट्रेस कॉज करती है। अच्छा, इमोशनल स्ट्रेस और कॉग्निटिव स्ट्रेस, कॉग्निटिव स्ट्रेस कहते हैं मेंटल स्ट्रेस को, ये दोनों आपस में बड़े गहरे ताल्लुक हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कहा ना कि आज कोई मेरे पास एक पार्सल आया और मुझे पता नहीं भेजने वाला कौन था, तो मुझे कॉग्निटिव स्ट्रेस हो गया क्योंकि मैंने सोचना शुरू किया। तो ये जो कॉग्निटिव स्ट्रेस है ये उस वक्त होता है जब नंबर वन आपको कोई सवाल का जवाब ना मिले, किसी मसले का हल ना मिले, या आप जिंदगी में ना इंसाफी देखो, आपके साथ ना इंसाफी हो, आपके बच्चे के स्कूल के एडमिशन ना मिल सके क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो ये कॉग्निटिव स्ट्रेस कॉज करता है। फिर कई दफा हमारे अकायद को कोई चैलेंज कर दे, हमारे अकीदों को कोई चैलेंज कर दे, तो भी कॉग्निटिव स्ट्रेस होता है। जैसे ही कॉग्निटिव स्ट्रेस होता है वो फौरन इमोशनल स्ट्रेस को कॉज करता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, चौथा स्ट्रेस मगरिब ने 9/11 के बाद डिस्कवर किया, उनको पता ही नहीं था 9/11 के बाद कि हमारी जिंदगी में वैक्यूम क्यों है, और सब कुछ है, गाड़ी है, इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, सब कुछ है, मगर जिंदगी में कोई खला है, कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आती, वो पूर्ण नहीं होती, सब कुछ होने के बाद भी इंसान के पास सेटिस्फेक्शन नहीं है। तुम याद है तुम फोर डायमेंशन में जो चीज बार बार कहती हो कि हर इंसान को इवेंचुअली दो चीज चाहिए, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। ठीक है, अब वो उनके पास वैसे तो सब कुछ था, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? मैं अक्सर ही कहता हूं कि इनकी लाइफ में वैसे बाजार सब कुछ है, मगर देखें रिश्तों में पायदारी नहीं है, वफादारियां नहीं है, औलाद जरा सी बड़ी होती है 17-18 साल की माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, तो पता चला कि इनकी जिंदगी का मकसद बड़ा मकसद नहीं है। छोटा मकसद तो है कि ठीक है आप एक जॉब कर रहे हो उसमें आप एक्सेल करना चाहते हो, आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर जो मकसद जिंदगी का होता है कि मैं बुरा काम क्यों ना करूं, मैं झूठ क्यों ना बोलूं, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं सच क्यों बोलूं, मैं अच्छा इंसान क्यों बनूं, उसके लिए मकसद नहीं है बहुत बड़ा। तो उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई कि स्पिरिचुअल स्ट्रेस, तो लोग रिलीजन की तरफ आना शुरू हुए, मगरिब की बात कर रहा हूं। ये चार स्ट्रेस की फॉर्म्स हैं और हर इंसान स्ट्रेस से गुजरता है। अच्छा, अगर बार बार स्ट्रेस हो और आप इसको काउंटर ना करें तो ये आपका हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल परेशान ख्याली में मुबतला होना, बिला वजह वरी करना, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। तो अब हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल करप्ट सिस्टम है, करप्शन हर जगह रैम्पेंट है। वो मैं हसन निसार को कभी कभी सुनता हूँ, इसने क्या खूबसूरत बात कही, उसने कहा हमारा अजीब निज़ाम है कि अल्लाह हमें औलाद अता करता है, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की ना, घर में खुशियाँ होती है, मगर उस औलाद का उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, घर में कोई मौत हो जाए, फौतगी हो जाए, तो दुख होता है, इंसान दर्द की कैफियत में मुब्तला होता है।
अब उसको जाके डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो इंसान जब दुनिया में आता है पाकिस्तान में तो रिश्वत देनी पड़ती है, दुनिया से जाता है तो भी रिश्वत देनी पड़ती है, यानी हम दो रिश्वत के दरमियान पूरी जिंदगी गुजारते हैं। गुरु तुम बोरी गहरी सोच में, बड़ी गहरी सोच में लोगों का नंबर लिख रही हूं आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये चीज ऐसी है कि अच्छा शाहजी चले गए जी उमरे पे, तो अब 10 तारीख के बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे, तो बराए करम अभी शाहजी आपको नहीं मिल सकेंगे, 10th ऑफ जून के बाद शाहजी आएंगे। अच्छा जी, अब समझ में आया स्ट्रेस क्या। तो अब एक और चीज पता चली कि अब स्ट्रेस खाली हमारे मुल्क में बड़े बड़े सीईओस को, सीएफओस को, लीडर्स को नहीं है, अब स्कूल गोइंग बच्चे को भी स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, अच्छा बच्चे के इम्तिहानों, माँ को स्ट्रेस, घर के अंदर बाप को स्ट्रेस, बिजली का बिल आ गया ज्यादा स्ट्रेस हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई स्ट्रेस हो गया। अब इस स्ट्रेस से आप जान नहीं छुड़ा सकते, आपको सीखना होगा कि इस स्ट्रेस के साथ कंट्रोल करके मैनेज करके आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, कि यही स्ट्रेस जो आपके लिए कमजोरी बन सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, उससे फायदा कैसे हासिल करें। फिर दिखा देता हूं, जिनको चाहिए ये सीडीज बराए करम अपना नाम, शहर और सीडी लिखकर हमें इस वक्त लाइव जो है लिखना शुरू कर दें, तो इसकी हम करेंगे बैलेटिंग परसों फ्राइडे को रात 11 बजे। अच्छा सर, स्ट्रेस जो है आपके तो खत्म नहीं हो सकता, मैनेज हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई मैनेज, मिसाल के तौर पे जैसे टाइम को मैनेज करते, हर इंसान के पास जिंदगी में कितना वक्त है, 14 घंटे 24 घंटे कितने, 24 घंटे अगर हम लगा लें पूरा, राइट, अब उसमें आपको 6-7 घंटे सोने का है, उसके बाद आपको 8 घंटे काम पर है, ठीक है, तो हम मैनेज कैसे करते हैं टाइम को। इसी तरह स्ट्रेस जब हमें होता है तो फिजिकल स्ट्रेस के लिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है, हाइजीन का ख्याल रखते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, इमोशनल स्ट्रेस हो तो हम किसी से शेयर करते हैं, हमारे दिल में दुख हो, परेशानी हो तो हम किसी से शेयर करते हैं, या हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, अगेन उसके लिए गौर और फिक्र, सोच विचार है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बहुत पावरफुल चीज जो हमें खुशनसीब है कि हमारे दीन ने दिए, वो ये है कि कुरान में आया है कि दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से, तो अगर इंसान अपने जिक्र की तरफ तवज्जो दे, अगर जिक्र को मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिक्र तस्बीह सिर्फ नहीं है, जिक्र सिर्फ नमाज नहीं है, जिस जिस काम में इंसान अल्लाह को याद करके वो काम करे वो जिक्र हो जाता है, सोने से पहले वो अल्लाह को याद करके दुआ करके सोए तो उसका सोना जो जिक्र बन जाता है, खाना खाने से पहले शुक्र अदा करके खाना खाए वो जिक्र बन जाता है, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह करे और अल्लाह को याद करके पानी पिए वो जिक्र बन जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को इंटीग्रेट करें तो आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज फिर आपको पता चलेगा कि जी मिसाल के तौर पर अक्सर हम डिप्रेशन के पेशेंट्स को कहते हैं कि एक काम करो, जाके किसी फलाई इदारे में 2-3 घंटे गुजारो। जब इंसान किसी इदारे में जाता है, फलाई इदारा होता है, और वहां देखता है दूसरों को तकलीफ में, तो उसे अपनी तकलीफ कम लगती है। तो मुख्तलिफ तरीके स्ट्रेस हाँ, कि बहुत सारे लोग थर्सडे लेक्चर में आया करते थे, उन्होंने शायद बहुत सब कहूंगी 70% लोगों ने तो वर्कशॉप की होगी, बट जो वर्कशॉप नहीं भी करते ना, वो कहते हैं जब आते हैं वहाँ लोगों से बातें करते हैं, सर से मिलते हैं, पीपल आर अलाइक, हैव इश्यूज एंड दे वांट टू डिस्कस एंड ओपन अप, हमें अपना प्रॉब्लम नहीं लगता और हमें ऐसा लगता है हमारे प्रॉब्लम्स का आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाता है जस्ट कमिंग टू थर्सडे लेक्चर्स। इसीलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि 13 तारीख से थर्सडे लेक्चर शुरू हो जाएगा, सिर्फ साल में एक रमजान में नहीं होता और एक 10 दिन मुहर्रम में नहीं होता, मगरिब के फौरन बाद होता है, जरूर आइए, अपने साथ बच्चों को लाए, फैमिली को लाए, इट्स ओपन इन्विटेशन फॉर एवरीवन, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है, ये फीस अबिलिल्लाह। 28 साल से मैं कर रहा हूँ नॉन स्टॉप सर, अब 28 साल, आप पिछले 5 साल से बोल रहे हो। अच्छा चलो, अच्छा ये 28 प्लस कर दो आप। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तो हमारी तरफ से मेहमान नवाजी भी होती है, पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ। अच्छा मैं ये भी कह दूं, मेहमान नवाजी भी हमारी तरफ से होती है, आप हमारे मेहमान होते हैं, और हम कहते हैं कि जो भी खाना पीना वो बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ के तनावल फरमाइए ताकि इसका सवाब सबको मिले। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे एक बात बताए कि अक्सर लोग जो कहते हैं, आपने कहा एक होता है कॉग्निटिव स्ट्रेस, एक होता है स्पिरिचुअल स्ट्रेस, एक होता है इमोशनल स्ट्रेस और एक होता है फिजिकल स्ट्रेस, ये 4 काइंड्स होती हैं। फिजिकल स्ट्रेस वी नो, इफ यू आर वर्किंग अलॉट, यू आर वर्किंग अलॉट, सो फिजिकली आप स्ट्रेस से गुजरते हो। अच्छा आप अक्सर ये कहते हो कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट इज पम्पिंग और फूड इज डाइजेस्टिंग और किडनीज आर फिल्टरिंग, सो इफ दे ओवर वर्क दे गो थ्रू द स्ट्रेस।
बिल्कुल अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव कॉग्निटिव स्ट्रेस की. कॉग्निटिव स्ट्रेस जो है, डू यू थिंक के पीपल हु डोंट सफर फ्रॉम एनी क्लिनिकल क्लिनिकली प्रूवन प्रॉब्लम और केमिकल इम्बैलेंस, इवन दे हैव द स्ट्रेस? उन लोगों को होता है कि जिनके साथ प्रॉब्लम होती है? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेस हर नॉर्मल और एबनॉर्मल आदमी को हो सकता है, मगर नॉर्मल आदमी को अगर स्ट्रेस हुआ और उसने उसको काउंटर नहीं किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कोई, अब मैं बताऊं स्ट्रेस से बीमारियां क्या होती है, जीआई डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, स्टमक के प्रॉब्लम, पेट के, फॉर एग्जांपल हाइपर एसिडिटी होगी और मुख्तलिफ किस्म के अल्सराइटिस हो गया, उसके बाद लिवर में प्रॉब्लम हो गया. आपका लिवर जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर होता है, आपको पता है. मॉरिशस के अंदर ये समझा जाता है, इनका बिलीव है कि मोहब्बत में लिवर इन्वॉल्व होता है ना कि हार्ट इन्वॉल्व होता है. तो एक्चुअली लिवर भी इन्वॉल्व होता है इंसानी जज्बात में, जज्बों में लिवर भी इन्वॉल्व होता है. तो अब अगर आप जी सॉरी, जो प्यार में बटरफ्लाई फील होती है वो पेट में होती है ना? हाँ. तो होती है ना पेट के अंदर, बिकॉज पेट में, आपको एक बात बताऊं अजीब सी, साइंस इस पे तहकीक कर रही है, इंसान के पास दो ब्रेन है, एक खोपड़ी में एक पेट में. मेरा तो पेट में वो तहकीक ना करो, मुझे पता. अच्छा, अब जितने ऑर्गन्स जिस्म के हैं वो मुतासिर होते हैं, तो फिर अगर इसका सदेबाब ना किया जाए, इसको काउंटर, फॉर एग्जांपल रेस्ट जरूरी है आपके लिए, फिजिकल स्ट्रेस के लिए, रात को आप सुकून से सोते हैं, अब सपोज करो आपको नींद सही नहीं आती, आप नींद में बार बार उठते हो, तो अब वो आपको जिस्म को जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता. हम अक्सर सिलवा में कहते हैं कि जब आप स्लीप में जाते हो तो आप मुख्तलिफ ब्रेन फ्रीक्वेंसी की रेंज से गुजरते हो, आप बीटा से अल्फा में जाते हो, अल्फा से फिर आप थीटा में जाते हो, थीटा के बाद रात को किसी पर आप डेल्टा में जाते हो, जो मौत और जिंदगी के दरमियान एक बारीक सी लकीर है. हम एक्चुअली कुछ लम्हात के लिए मर चुके होते हैं, बस अल्लाह हमें जिंदा करता है सुबह. तो इसीलिए सुबह उठ के सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए और दुरूद पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला आज का सूरत देखना नसीब हुआ, क्योंकि रात को वी आर डेड लिटरली. तो अब स्लीप अगर ना मिले तो फिर जिस्म को रेस्ट कहां से मिलेगा? फिर आपके कंटिन्यूसली ऑर्गन्स काम कर रहे होते ना. देखें, आपका हार्ट इन्फ्लेट, आपका सॉरी लंग्स इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता है, फेफड़े काम कर रहे होते हैं, आपका हार्ट मुसलसल पंप कर रहा है, आपके शरियानों में खून की गर्दिश मुसलसल जा रही है, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स काम कर रहे हैं. तो इस वजह से फिजिकल स्ट्रेस भी काउंटर ना किया गया, इमोशनल स्ट्रेस के लिए आउटलेट चाहिए. अमेरिका में जो श्रिंक कहते हैं साइकाइट्रिस्ट को, उनमें से एक वो होते हैं जिनके पास आप जाओ, $150 दो, एक घंटा बैठो, आप बोलो, वो सिर्फ सुनेगा, कोई बात नहीं करेगा आपसे, सिर्फ सुनेगा आपकी बात. आपने एक घंटा बात की, उसके बाद नेक्स्ट वीक आप आगे फिर $150 दो, फिर इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं है उस मुल्क में. हमारे यहाँ सुनने वाले बहुत है माशाल्लाह, ठीक है, मगर जो सुनने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट भी नहीं होते. तो अगर सुनने वाला एडवाइस ज्यादा ना दे, दिलासा दे, होप दे, उम्मीद दे, तो भी बहुत काफी है. फिर उसके बाद कॉग्निटिव स्ट्रेस हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अप्रोच कर सोचना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में जस्टिस नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, तो अब आप क्या किया जाए? अब हम क्या करते हैं कि हम इश्तियाल में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में जब आते हैं तो फिर स्ट्रेस का लेवल और बढ़ जाता है. तो अब एक चीज, इनफैक्ट आज ही मैं किसी को कह रहा था, आज नहीं गुजरा हुआ कल जो था, पेशेंट डे था ना. अच्छा ये भी बता दूं, अब पेशेंट ईद के बाद, पेशेंट डे खत्म हो गया तो ईद के बाद पेशेंट हो गए, तो कल पेशेंट डे था, तो एक खातून मेरे पास आई, उसका कोई ऐसा ही मसला था. तो मैंने कहा एक बात सुने, आपके पास चॉइस क्या है? जब एक चीज आपके इख्तियार में नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो. जिस वक्त आपके पास इतनी कुवत आ जाए कि आप उसे चेंज कर सको, चेंज कर देना. तो अगर हम इस छोटे से फॉर्मूला पे अमल करें ना जिंदगी में, मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत एक कॉल है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार मुझे ताकत दे जिसको मैं चेंज कर सकूं, सबर दे मुझको जिसको मैं चेंज ना कर सकूं, और मुझे दानाई दे के मुझे दोनों में फर्क पता चले, व्हाट आई कैन चेंज एंड व्हाट आई कांट चेंज, क्या चेंज कर सकता हूं क्या चेंज नहीं कर सकता. ये दानाई बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, अगर इंसान को समझ में आ जाए तो. जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर ले, सबर कर ले, शुक्र अदा कर, अल्लाह ठीक है हालात फिर ठीक हो जाएंगे. जिसको चेंज कर सकते हैं उसके लिए आप जिद्दोजहद करें, कोशिश करें. अच्छा सर, अभी हमने बात की कॉग्निटिव स्ट्रेस की, हमने बात की फिजिकल स्ट्रेस की. कॉग्निटिव स्ट्रेस इज द मेंटल स्ट्रेस, और मेंटल स्ट्रेस एक ऐसी, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मैं चीज ऐड करूंगी, लोग जो सफर कर रहे हैं
वो बीमारियों से जो दिक्कत। उरुज तुम्हें लगता है फोन आ गया होगा, जब हम या सर पे लग तो वो सारे जख्म नजर आते हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल इशू या इमोशनल प्रॉब्लम नजर नहीं आता। तो जो चीज नजर नहीं आती वो एक्सप्लेन करना मुश्किल होती है, जब एक्सप्लेन करना मुश्किल होती है समझना उससे ज्यादा मुश्किल होती है। एंड इन टुडेज वर्ल्ड आई हैव सीन यू फाइटिंग विद दिस वॉर सिंस इयर्स, लेकिन लोग ये समझते नहीं कि जो इंसान मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है उसके लिए तो वही वाली बात है ना, कैसे बुखार, कोई शक बुखार में उसको को ले काम करो उठ के चलो फुटबॉल खेलो, अरे वो बंदा बीमार है नहीं खेल सकता। वो इसी तरह जो मेंटल स्ट्रेस में होता है बंदा, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू लाफ एंड स्माइल एंड टू डू थिंग्स, जब वो नहीं कर सकता तो लोग डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग फॉर देम। इसमें हमें ये समझना होगा कि इसमें सपोर्ट सिस्टम बड़ा जरूरी है। अगेन इस माशरे में दुनिया जाके प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, मगर उसके साथ साथ कुछ फवाइद भी हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ सुनने वाला है, आप हॉस्पिटल में चले जाए बीमार हो, ओए होए होए दुनिया देखने आ जाएगी, फ्लावर्स लेके आ जाएगी, बाहर कोई नहीं आता किसी के लिए एक्सेप्ट फ्यू पीपल वेरी क्लोज टू यू। दूसरा आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपकी बात सुनने को तैयार है। तो हम खुशनसीब भी हैं कि हमारे माशरे में हमारी स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए बहुत सारे जराए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है, इमोशनल टॉक्सिन रिलेशनशिप। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, यानी वो रिलेशनशिप जिसके अंदर ऐसे लोग से आप मुंसलिक है जिनसे आप जान भी नहीं छुड़ा सकते, और वो आपकी जिंदगी में जहर घोलते अल्फाज के जरिए, बिहेवियर के जरिए, एटीट्यूड के जरिए। तो अब उसके लिए एक अभी सवाल भी आया था, उसका बेस्ट तरीका है कम से कम मिले उनसे, कम से कम कम्युनिकेट करें उनसे जितना हो सके, और फिर एक मेंटल एक्सरसाइज हम करवाते हैं कि जिसमें आप अपने जहन में उस शख्स के इमेज को चेंज कर देते हैं, बल्कि आपके जहन में इतनी ताकत है कि किसी की आवाज को भी अपने जहन में मद्दम कर ले। अच्छा क्वेश्चन है मेरा उन लोगों के बारे में जो एक तो चले एक तो आप सर फिजिकली कोई कुछ कर रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, टॉक्सिक है आपके लिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप, और वो आपको हार्म कर रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं और आई एम श्योर हमारे लिसनर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी एक एज लाइफ में मैं भी ये काम किया करती थी, दैट वी क्रिएट स्टोरीज कि किसी ने कुछ किया नहीं किया बट हम अपने जहन में स्टोरी बना के अपना स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे देख के बात नहीं की तो वो शख्स मुझसे नफरत करता है, उसने मुझे देख के कान में किसी के बात की तो वो मेरे बारे में बात कर रहा है, दो मे बी नो बडी इवन थिंक अबाउट देम, एंड इट्स सो मच सो कि हम जब नए कपड़े कोई पहनते हैं और हम किसी और की शादी में वही कपड़ा रिपीट करने की बात आई तो हम कहते नहीं ये पहले लोगों ने देखा होगा, शायद किसी को याद भी ना हो आपने क्या पहना है। तो ये जो स्टोरीज हम क्रिएट करते हैं, व्हाट अबाउट दैट? ये एक और लेवल की बात है उरुज। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा एक ये और लेवल की बात है, और ये लेवल ये है कि एक तो वो स्ट्रेस जो हमें बाहर से मिलता है ना, बैरूनी स्ट्रेस, लोगों से, हालात से, माहौल से, सिस्टम से, गवर्नमेंट से, वो मिलता है बाहर के लोगों से, मतलब बाहर हमसे बाहर मिलता है। एक हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स जो है उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी है, एहसास कमतरी वाला शख्स स्टोरीज बनाएगा क्योंकि वो कमतर समझता है, तो अपनी स्टोरीज में अपने आप को हीरो बनाता है, और दूसरा अगर कोई इससे बात नहीं करेगा तो समझेगा हाँ पता नहीं क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा। तो अब ये प्रॉब्लम सारी इंसान की जात से ताल्लुक है, एहसास कमतरी हो, इज्जत नफ्स मजरू हो, इंसान की ओवर थिंकिंग हो, इंसान नेगेटिवली सोचे, हर चीज में नेगेटिव पहलू ढूंढे, तो उनको फिर इंटरनल स्ट्रेस इमोशनल ज्यादा बढ़ता है। कॉग्निटिव स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस को बढ़ाता है, मैंने पहले ही कहा था। तो सोचने का अमल कॉग्निटिव है, इमोशंस अटैच्ड होते हैं उसके साथ, तो इमोशंस जो है वो फिर इतने अपसर्ज होता है उनका, इतना वबाल हो जाता है, वेलकनों की तरह फटते हैं कि फिर जिस्म के निजाम में प्रॉब्लम शुरू होता है, इंसान जिस्मानी बीमार भी हो सकता है और फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अच्छा सर आपने बताया कॉग्निटिव स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस कहीं ना कहीं लिंक होता है, do you think spiritual stress and emotional stress is also linked? sare actually to sare linked hai. ab dekho for example meri zindagi mein sab kuch hai misal ke taur par right, aur meri zindagi mein sab kuch hone ke baad mohabbat nahi hai, theek hai na, main dekhta hu ki log mere paas isliye aate hain ki unka maqsad hai, unki gharz hoti hai right, but genuinely koi mujhse, main misal de raha hu, of course mujhe to zindagi mein bahut mohabbat mili, magar waise bata raha hu ki mere paas sab kuch hai,
मगर मोहब्बत नहीं है, जेन्युइन मोहब्बत नहीं। जो भी मेरे करीब आता है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए आता है। अब मैं सोचता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, उरुज एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज़ ये एग्जांपल बहुत रेलेवेंट है। नहीं सुनो ना, अच्छा देखा, इमोशनल स्टेट में आ गई एक लम्हे में। तो अब मेगा स्ट्रेस दिया आपने, मेरा कॉग्निटिव, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि जो भी मेरे करीब आता है वो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, मकसद होता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है मगर एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हुआ ये कि ये चीज मैंने सोचना शुरू कर दी, ठीक है, और मैंने कहा पता नहीं जिंदगी में कैसी है दुनिया, कैसी, अल्लाह तूने क्या किया है मेरी नसीब को। फिर मैं आ गया स्पिरिचुअल रियलम के अंदर, एक लूप में आ गया, अल्लाह मेरा नसीब कितना खराब है, मैं कितना बदनसीब हूँ, ये वो। अब उस स्पिरिचुअल जो स्ट्रेस में आ गया, मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन वीक हो गया। मैं शुक्रगुजारी की जगह किस पे आ गया, कुफरान नेमत पे आ गया, ना शुक्री पे आ गया मैं। जैसी ना शुक्री पे आ गया, मेरा इमोशनल स्ट्रेस भी शुरू हो गया, और इमोशनल स्ट्रेस ने फिर फिजिकल हार्म करना शुरू कर दिया। तो यहाँ जो हम बात करते हैं ना कि इंसान हर हाल में खुश रहने की कोशिश करे, कि इंसान अपनी नेमतों को देखता रहे, उस पर शुक्रगुजारी करता रहे, तो छोटी चीज भी उसके लिए बड़ी होगी, और जो नहीं करेगा उसके लिए बड़ी चीज छोटी लगेगी उसको। सर आज पहली दफा मुझे पता चली, क्योंकि स्ट्रेस पे मैंने कभी आपसे इतनी डिटेल में बात नहीं की है। दूसरे शोज पे जाके जब स्ट्रेस पे बात करते हैं तो बहुत कम टाइम मिलता है आपको, एंकर रोक देती है अनफॉर्चूनेटली किसी में लेक्चर हाँ अनफॉर्चूनेटली नाइन के किसी में लेक्चर में आ नहीं सकी, बिकॉज वो मतलब मैं जहाँ रहती हूँ दूसरे शहर की दूसरी साइड पे होता है, सो इन द आफ्टरनून आई कुडंट कम। फर्स्ट टाइम मैंने डिटेल में आपसे बात की, और आज मुझे एहसास हुआ इस बात का कि आप हमेशा क्यों कहते हो कि शुक्र अदा करो, बिकॉज वंस आई डू बी ग्रेटफुल ऑफ गॉड एंड व्हाट ही हैज ब्लेस्ड मी विद, सो मेरे उरुज वीडियो चली गई आपकी, सो इट्स ऑल लिंक, या तुम्हारी वीडियो बार बार टूट रही थी आवाज, अच्छा इट्स ऑल लिंक, या हेलो उरुज, उरुज यू देयर, या आई एम हियर। अब फिर से जल्दी से सवाल बताओ। मैं कह रही हूँ कि आप हमेशा, मुझे आज ये बात समझ में आई कि हमेशा कहते थे शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करना चाहिए चाहे कुछ भी हो आपके पास, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। वो एक कहानी भी आपकी के अपनी किस्मत से, व्हाट वाज दैट, खुश किस्मत को जो अपनी किस्मत से सुना दूं, हाँ वो कहानी सुना। अच्छा मेरी बात तो एक आदमी था, वो उस वजह से मुझे आज उसकी वजह आज मुझे आज पता चली कि ये जो चारों स्ट्रेस होते हैं मेन हमारी जिंदगी के अंदर, वो कैसा सिर्फ शुक्र करने से हम चारों से लड़ सकते हैं। अब आपको कहानी सुनाओ, लड़ सकते बिल्कुल। कहानी ये दोस्तों, ये कहानी है, इसके बाद फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं बैलेटिंग में, ये सबको तो नहीं दे सकते, ये दो सीडी है विद इन पाकिस्तान, हम फ्री ऑफ चार्ज कॉम्प्लीमेंट्री आपके घर तक पहुंचाएंगे। और आपको सिर्फ ये करना होगा कि इस वीडियो को आपने मैक्सिमम शेयर करना होगा, जितने शेयर करेंगे उतनी मरतबा आपके नाम लिख कर हम बैलेटिंग करेंगे परसों यानी जुम्मे को, फ्राइडे को, जो कि लास्ट प्रोग्राम भी होगा रात 11 बजे। स्टोरी सुनाता हूँ, गौर से सुनिए। एक शख्स था, वो हमेशा शिकवे करता था, मैं बदनसीब हूँ, मैं ये नहीं, वो अच्छा है, उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो ज्यादा ताकतवर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो खुश है, मैं बिल्कुल ना खुश हूँ। एक फकीर के पास गया। फकीर दो किस्म के होते हैं, याद रखे जब हम फकीर की बात करते हैं तो ये जो फकीर है ये डिफरेंट होता है। दो फकीर क्या होते हैं, जिसको दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे वो फकीर कहलाता है। तो फकीर अल्लाह वाला होता है, फकीर अल्लाह वाला होता है। तो अब हुआ ये कि फकीर के पास गया, उसने कहा अच्छा तेरे ख्याल में कौन खुश नसीब है। उसने कहा ये जो शहर का दरोगा है, जो मतलब SSP समझ लो उस दौर का, वो बड़ा खुश नसीब है, इतनी ताकत है, फौज उसके साथ होती है, सिपाही उसके साथ होते। वो दरोगा के पास गया, दरोगा से पूछा भाई ये कहता है तू खुश नसीब है, तू अपने आप को खुश नसीब समझता है? कहता सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं मैं डर लगता है मुझे कि कहीं गलती हो जाए तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी बादशाह सलामत। ये बड़ा हैरान हुआ, कहता इतना ताकतवर आदमी और खुश नसीब नहीं है। फिर फकीर ने उससे फिर पूछा, दरवेश ने कहा आप बताओ और कौन है? उसने कहा वजीर। वजीर के पास ले गए, वजीर ने कहा नहीं जी मैं खुश नसीब नहीं, मैं तो बहुत डर के जिंदगी गुजारता हूँ, जब बादशाह से कोई बात करता हूँ हमेशा हाथ जोड़ के कहता हूँ जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, क्योंकि क्या पता बादशाह का मूड कैसा हो, कल मुझे फांसी दे दे। ये बड़ा हैरान हुआ कि यार वजीर भी खुश नसीब नहीं है। उसने कहा कौन खुश नसीब है? पूछा, उसने कहा बादशाह तो खुश नसीब है, सबसे पावरफुल आदमी है इस मुल्क का।
چونکہ یہ فقیر کو سب جانتے تھے تو بادشاہ کی دربار میں گئے, بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت, یہ شخص کہتا ہے آپ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے, تو آپ بتائیے کہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, راتوں کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے میری اولاد کہیں تخت و تاج کے لیے میری جان نہ لے لے, تو ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے, تو میں تو سو بھی نہیں سکتا, اتنی دولت طاقت کے باوجود مجھے نیند نصیب نہیں ہے, تو میں خوش نصیب نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. اب یہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بادشاہ جیسا شخص وہ خوش نصیب نہیں ہے. تو فقیر نے کہا چلو میں تجھے لے جاتا ہوں ایک جگہ, وہ لے گیا اس کو تھوڑا شہر سے باہر, ایک جھونپڑی تھی اس کے اندر داخل ہوئے, ایک شخص بیٹھا ہوا تھا زمین پر چٹائی ڈال کر اور سوکھی روٹی اس کے پاس تھی, وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا. تو فقیر نے کہا اس سے پوچھے خوش نصیب ہے؟ اس نے پوچھا تم خوش نصیب ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بہت خوش نصیب ہوں. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو بابا, تمہارے نہ سر پہ چھت ہے, جھونپڑا تم نے رکھا ہوا ہے, بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے, زمین پہ تم بیٹھے ہوئے ہو, سوکھی روٹی کھا رہے ہو, تم کہاں سے خوش نصیب ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے نصیب سے خوش ہوں. یہ ایک لیسن سمجھ لے زندگی میں, اپنے نصیب سے خوش ہو جاؤ اور مانگو اللہ سے تو نصیب مانگو, نہ دولت مانگو, نہ طاقت مانگو, مقدر مانگو, نصیب مانگو اللہ سے. یہ نصیب سے جو خوش ہوتا ہے نا اس کو زندگی میں سٹریس کم سے کم ہوتا ہے. جوزف, ہوپ فلی وی وڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ ان انگلش ویری سون, وی آر ورکنگ آن دیٹ آلسو, بٹ آئی وش آئی کڈ ڈو اٹ بیکاز اے لاٹ آف پیپل وڈ پریفر اردو, دیٹس وائی وی ہیو ٹو ٹاک ان اردو. ڈے بیفور یسٹرڈے وی ڈڈ ٹاک, جب ڈائنا سلوا واز آن دیئر, رائٹ, وی ڈڈ ٹاک اے بٹ ان انگلش آلسو, بٹ وی کیپ ان مائنڈ اروج آلویز اسپیکس مور انگلش دین اردو, سو آئی ایم شیور یو کین انجوائے what she is saying also. I speak neither of the language. I only okay. speak the language of love. Thank you very much. And food. تو ارو جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب ہم کسی چیز میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئے, ہمیں کوئی تجسس ہو, کیوریوسٹی ہو کسی چیز کے بارے میں, تو وہ بھی سٹریس کاز کرتی ہے. حالانکہ کیوریوسٹی از ویری پازیٹو بیکاز کیوریوسٹی ہیلپس یو ٹو لرن. دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہے اس کے پیچھے کیوریوسٹی نے بڑا کمال کام کیا. امیجینیشن اور کیوریوسٹی, امیجینیشن بعد میں آتا ہے, پہلے کیوریوسٹی ہوتی ہے, پھر انسان امیجینیشن یوز کرتا ہے اور اس امیجینیشن کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز تخلیق کرتا ہے, کوئی نیا فارمولا ڈسکور کرتا ہے, کوئی چیز بناتا ہے. تو آئی تھنک وی آل شوڈ بی نمبر ون, کیونکہ اب رمضان اینڈ ہونے والا ہے, عبادتیں سب کرتے ہیں مگر اصل چیز پہ کوئی کام نہیں کرتا. میں اکثر تھرسڈے لیکچر میں کہتا ہوں کہ ہم سارے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, تو ہم عبادتیں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, صدقات خیرات دیتے ہیں, مگر ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, اس کو راضی کرنے سے پہلے آپ نے آپ کو اللہ سے راضی کرنا پڑتا ہے. Are you getting me, Uchi? ہم راضی نہیں ہیں, ہم راضی نہیں ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں وہ راضی ہو جائے, تو اندر تو میرے شکوے شکایتیں بھری پڑی ہے, اللہ مجھے یہ نہیں ملا, اس کو وہ مل گیا, میں ڈیزرو کرتا تھا یہ پروموشن, مجھے نہیں ملا. تو اگر اف وی کین ایکسپٹ دیٹ واٹ ایور وی آر ان اے پرٹیکولر گیون سچویشن وی آر ویری لکی, وی آر ویری بلیسڈ, تو پھر دین وی کین گو اہیڈ وتھ ادر تھنگز آلسو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. اللہ سے راضی ہونے کے لیے تو آئی گیس اٹس اے لانگ جرنی اینڈ اے لاٹ آف کنٹمپلیشن and realization and self awareness is involved in it, but again wohi wali baat hai jis tarah aap kehte ho ki khana khane se pehle bismillah aur khana khatam hone ke baad shukr ada kiya karo, even if we start that small act of that we do, I think that would also bring a big difference in our lives. It will. Asal mein sari cheez jo asal crux hota hai na in tamam cheezon ka ruhaniyat mein spirituality mein, the crux is awareness. Live your life with awareness. We don't live our life with awareness. Our awareness is somewhere else. We are somewhere else. Namaz mein awareness nahi hoti. Focus nahi hota. So if we can live our life with awareness, every moment of our life, we can... Had toh ye hoti hai, ki every breath that we take, har saans jo hum lete hai, us pe hum aware ho ke hum saans le rahe. So this is where it leads to... Phir insaan ko eventually, this leads to a condition called God's consciousness. جس کو عام طور پر تقویٰ کو کسی اور معنی میں دے دے, بٹ دس از تقویٰ, گاڈز کانشیسنس.
Awesome. God consciousness पे डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर वी एंड दिस शो, इसका मुझे थोड़ा सा वो कंक्लूजन बताएं कि सो इज इट ओके टू हैव सम स्ट्रेस इन लाइफ और इज इट बैड टू हैव स्ट्रेस इन लाइफ और इज स्ट्रेस गोना किल अस और स्ट्रेस गोना मेक अस ब्रेकिंग पॉइंट है मेकिंग पॉइंट है क्या चीज है स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव अ चॉइस ओके कम स्ट्रेस यू डोंट हैव अ चॉइस सी द मोमेंट इंसान का बच्चा जब दुनिया में आता है सबसे पहला जो कंडीशन स्ट्रेस से गुजरता है वो डेवलप करता है फियर ऑफ डेथ पहला फियर ऑफ डेथ उस वक्त डेवलप होता है जब माँ के पेट से जब बच्चा निकलता है उस वक्त उसके लंग्स के अंदर फ्लूड होता है तो वो जो पहली सांस लेता है डेस्परेशन में टू लिव दैट फर्स्ट ब्रेथ दैट द चाइल्ड टेक्स क्रिएट्स द फियर ऑफ डेथ एंड दैट इज द फर्स्ट स्ट्रेस दैट इज क्रिएटेड इन द सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द चाइल्ड So you start your life with stress and then you end your life with stress. So in between, there are series of stress of different levels and different kinds that we all experience. We all go through. Hum sab go through karte hain usse. So first of all, we don't have a choice. Humare paas choice nahi ke stress na ho. Aadmi jungle mein chala jaye, biwi bachche sab chhod de. Theek hai, income tax ka stress nahi hoga. Taxes ka stress nahi hoga. Petrol ka nahi hoga. Bijli ka nahi hoga. Magar usko phir aur kisam ke stress honge. वेदर का होगा खाने का वेदर का होगा जंगली जानवर का होगा खुराक की तलाश होगी ठीक है अब स्ट्रेस कहीं भी छोड़ेगा नहीं आपको सिर्फ एक जगह है जहां स्ट्रेस नहीं होता और वो है कब्र की गहराई वहां स्ट्रेस नहीं होगा अगर आपके अमाल सही है तो ठीक है इट्स वेरी डार्क अमाल बड़े इंपॉर्टेंट है हाँ अमाल और अमाल के पीछे नियत नाउ तो चॉइस नहीं है अब करना क्या है करना यह है कि वी हैव टू लर्न टू मैनेज स्ट्रेस And use it, उसको इस्तेमाल करें अपने फायदे के लिए तू और मैं हम दोनों एक जानते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हमें जो बहुत करीबी जानते हैं तलहा भी है बहुत सारे लोग वो जानते हैं कि वी डू आवर वेरी बेस्ट अंडर स्ट्रेस वी आर हाईली प्रोडक्टिव अंडर स्ट्रेस हमें जो काम करना होगा वो लास्ट मोमेंट पे हम करेंगे और वो जबरदस्त तरीके से करते हैं राइट हम कोर्स डिजाइन लास्ट मोमेंट पे करते हैं कई चीज हम लास्ट मोमेंट पे करते हैं बट वी डू इट वेरी वेल This is our meta program. This is how we are able to produce the best that we can because pressure helps us to produce. Agar pressure na ho, acha bacche ke sar pe pressure na ho, imtihan mein first, second, third kaise aayega? Pressure hi ki wajah se to aata hai, so it is beneficial also, but you have to learn to manage it by controlling it in a way that to certain extent it's good. Agar aapko khauf na ho, is cheez ka dar na ho ke boss daantega, to aap subah office pe pahunchenge nahi. End of the year or end of the month, आप अपने targets achieve नहीं करेंगे जो आपकी organization आपको देती है sales के target है इतने target आप achieve नहीं करेंगे right? तो stress is good, but it should not control you. That's it. It can should motivate you. अच्छा आपने मुझे एक बड़ी आपने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई थी ऐसे ही शायद होते थे irrelevant भी थोड़ी सी आपने मुझे कहा था कि office अब आपने मुझे खैर बोला तो थी ये बात और मैं ऑफिस आपके डर से आती भी नहीं हूँ वरना मैं कभी आऊँ नहीं मुझे पता है आप कुछ बोलोगे नहीं सो आपने कहा था ऑफिस जब जाओ ना तो ये सोच के नहीं जाओ कि बॉस डांटेगा ऑफिस जाओ ये सोच के जाओ कि वो तुम्हारा काम है जो तुम्हें करना है सो द ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर दैट्स व्हाट यू टॉट मी एंड सिंस देन मुझसे जब सिंडी से मैं मिली थी यूएस में तो सिंडीज इज यू नो वी डिस्कसिंग अबाउट व्हिच प्लेस डू वी लाइक अ लॉट टू यू नो वेयर डू वी फील रिलैक्स्ड चीज लाइक बीचेस एंड दिस एंड शॉपिंग और व्हाटएवर I said the most relaxed place I have in this world is my office. The office. The minute I enter the office, my all stresses go away. Everybody is. अच्छा होता है कि मेरे stress चले जाते हैं, बाकी सबके stress level high हो जाते हैं. अभी तो Tim's का जितना staff है ना, वो इतना relaxed है, क्योंकि पता है boss नहीं. Oh my God. सब relaxed है. अच्छा. अच्छा वो तो सारे machine है तो उनकी फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है टाइम अटेंडेंस है उनका ठीक है ना बट अदरवाइज वो बड़े रिलैक्स्ड हैं कोई बोलने वाला नहीं बट एनीवे दे आर माशाल्लाह अपने टारगेट को अचीव करते हैं अपना काम करते हैं नहीं उनको सिर्फ डर लगता है हालांकि कुछ है नहीं ऐसा ऐसा है नहीं बट डर लगता है अच्छा मैं ही चाहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है हमारी ऑफिस में हमारा कुछ स्टाफ ऐसा है जो ओनरशिप लेता है यानी दे फील के टीम्स उनका अपना है कुछ नहीं लेते वन ऑफ देम इज सना सना लेती है डेफिनेटली लेती है अदनान लेता है सोनिया भी लेती है हमारी सना इज सोनिया भी लेती है सलीम सना इज लाइक सलीम तो सर सलीम तो समझो मैं हूं दूसरा सलीम के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती मर्दाना पार्ट है जरा सलीम के बिना
वह सलीम के बिना नहीं चलती थी, उसको ये भी पता है कि मुझे किस कलर का कौन सा दुपट्टा पसंद आएगा, खाने में कितना मसाला चाहिए. He knows everything about me. He's my brother. He's my best. मैं तुम्हें एक बात बताऊं. जी जी. एक तो मेमुना मेहदी, बोले बोले आप एक बात. मोमेना मेहदी, आप मेहरबानी करके अपना नाम और शहर लिख लें और लिखें सीडी, हम आपका नाम बैलेटिंग में डालेंगे. फ्राइडे को बैलेटिंग होगी, मैं बार बार बता चुका हूं. बोलते एक बात बताऊं आप भाई, आज मैं सलीम के साथ कहीं गया था और वो उस तरह कपड़े देख रहा था, मैंने जिंदगी में, मुझे कपड़ों की पहचान नहीं है, मैं हैरान हूँ. मैंने कहा ये तो उरूज इस तरह कपड़े देखती है, यानी नाम, फिर धागा निकला हुआ तो नहीं है, वो ना छोटी छोटी चीजें जो देखी जाती है ड्रेस. आई वॉज अमेज. मैंने कहा ये लड़का है कि लड़की है सलीम, बट ही इज अमेजिंग माशाल्लाह. लड़का लड़की शॉपिंग का क्या ताल्लुक है यार? अच्छा सर मुझे बात, अच्छा तुम्हारे साथ रह रहे की इज लर्न या बिकॉज वी आई मतलब समझो मैं नहीं हूँ, मेरे सारे काम सलीम कर सकते हैं. हो सकता है एक दिन लेक्चर में सलीम दे रहा. ना ना वो नहीं दे सके. बोलेगा मैडम हटे साइड पर. मैडम हटे साइड पर, मैं कह रहा हूँ. अच्छा सर मुझे ये जो हम सारी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है मैनेज करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा. अब थोड़ा सा बच्चों के लिए, बहुत सारे लोगों को बच्चों के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों को स्ट्रेस होता है नहीं होता है, बच्चों को स्ट्रेस से कैसे बचाना है, बच्चों के लिए फिजिकल स्ट्रेस अच्छा है, कितना अच्छा है, तो ये सारे सवाल आ रहे हैं अभी तो मेरे. अच्छा एक मिनट रुको. सबसे पहले उरूज हमारा नया जो यूट्यूब पे चैनल है उसका लिंक दे दो, वो लिखो तुम. और दूसरा दोस्तों जब तक उरूज लिखती है आपसे गुजारिश है, डॉक्टर मोइज ऑफिशियल, राइट? डॉक्टर मोइज, डॉक्टर नहीं नहीं टिम्स इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस. ना 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 यूट्यूब पे ऑफिशियल जो है ना, हाँ माइंड साइंसेस ऑफिशियल. अच्छा दोस्तों गौर से मेरी बात सुने, आप लोग सवाल लिख रहे हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता इन सवालों को, राइट? तो बाद में थर्सडे के लेक्चर में हम इनमें से कुछ सवाल लेके थर्सडे लेक्चर में भी डाल सकते हैं, मगर थर्सडे लेक्चर में भी हमारे पास इस वक्त कोई 300 से ज्यादा ऑलरेडी सवाल मौजूद है. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम जवाब देते हैं, तो इतना ख्याल रखें कि अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिला इसका मतलब है वो लाइन में है. दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जिनको सीडी चाहिए वो नाम लिखें, हम आपको बैलेटिंग में डालेंगे और बैलेटिंग परसों होगी यानी जुम्मे के दिन होगी और रात 11 बजे होगी. तीसरी चीज ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जीनियस मेथड की जो डीवीडी थी वो हमने हमारे नए चैनल पे, उरूज ने लिखा है माइंड साइंसेस ऑफिशियल, इस चैनल पे जाएं. उरूज और मेरा पूरा जो लेक्चर हमने कराची क्लब में दिया था माँ बाप को कि अपने बच्चे को जीनियस कैसे बनाया जाता है, उरूज ने कुछ पेरेंटिंग के टिप्स को टच किया था, मैंने बच्चों की नफसियात वगैरह को टच किया था, वो डेफिनेटली है. थैंक यू मिस खान, थैंक यू मिस खान फॉर द लिंक. तो हम जो है वो आप उसको देखें डेफिनेटली. और दूसरी चीज ये है कि परसों हम आएंगे. और आज पता है मैंने उरूज क्या किया, मैं माफी चाहता हूँ मगर मुझे करना पड़ा, मेरे मोबाइल फोन में व्हाट्सएप में कुछ 600-700 मैसेजेस ऐसे थे जो मैं रीड नहीं कर सका, ब्लू डॉट आता है ना, अनरेड थे, ऊपर से इतने आ रहे थे, आज मैंने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए विदाउट रीडिंग बिकॉज मैं नहीं पढ़ सकता, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, तो बराए करम अगर आप मैसेज भेजें तो शॉर्ट भेजें, वॉइस मैसेज 2-2 मिनट के नहीं सुन सकता, छोटा सा अपना नाम शहर और एक जुमले में मेरा ये प्रॉब्लम है, और वेट करें जब आपका वक्त आएगा मैं मैसेजेस रीड करके आपको जवाब दे दूंगा. अच्छा हाँ मुझे एक और इंतजार पे बात करनी है. अच्छा ऑनेस्टली आपको जितने मैसेजेस आ रहे हैं ना मुझे भी उतने ही आ रहे हैं, और मैंने अपना जिन लोगों से मैं मतलब पर्सनल बातें करनी होती, फॉर एग्जांपल माय फैमिली और यू और सलीम और फातिमा और हूएवर आई वांट टू टॉक पर्सनली आई कांट, इज बिकॉज सबका जो नंबर है वो नीचे चला जाता है एंड आफ्टर एवरी फ्यू सेकंड्स आई एम गेटिंग, विच इज वेरी ग्रेट बिकॉज यू गाइज लव अस एंड यू गाइज आर ऑलवेज देयर एंड यू गाइज वॉन्ट टू सीक समथिंग, बट ऑनेस्टली यू नो जब इतना सारा इट्स ओवरवेलमिंग एज वेल, सो जब इतना सब हो गया अब मैं अब यू नो इट टेक्स टाइम एक बंदे. तुम्हारी आवाज रुक गई उरूज वापस. आवाज नहीं. सो बट पीपल आर लाइक ओ आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, देन दे फील ऑफेंडेड, सो प्लीज आप नाराज ना हो. वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द आंसर एंड व्हाटएवर वी कैन वी डू द बेस्ट ऑफ इट. But please don't get offended out of it because a lot of people get offended. आपने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब नहीं दिया. Because I can't and sometimes people are just writing Assalam Alaikum, how are you? So then I have another important thing to do. हाँ. अब उसको मैं जब जवाब देना पड़ेगा. अच्छा एक और बात. फिर वो Assalam Alaikum.
अच्छा दोस्तों ये याद रखें, मैं और उरूज, अब मैं पहले अपनी बात कर लूं, हर व्हाट्सएप का पर्सनली जवाब देता हूं, अगर वो इस काबिल हो के जवाब देना, यानी सलाम वालेकुम तो मैं वालेकुम सलाम लिखता हूं, उसके बाद कोई सवाल तो है नहीं तो जवाब क्या दूं, अगर उसमें कोई सवाल पूछा गया तो मैं जवाब देता हूं। जवाब में एक चीज याद रखें, अगर कोई ऐसा सवाल है जो मेरा लाहौर ऑफिस जवाब दे सकता है, इस्लामाबाद ऑफिस दे सकता है, कराची ऑफिस दे सकता है, तो मैं आपको नंबर भेज दूं, बराए करम उस नंबर पे कॉल करके वहां के कंसर्न पर्सन से जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर ले, नंबर वन। नंबर टू, कराची के अलावा मैं पेशेंट कहीं नहीं देखता। नंबर थ्री, हर ईमेल का खुद जवाब देता हूं। नंबर फोर, लिंक्डइन पर हो, मैसेंजर पे हो, मैं खुद जवाब देता हूं, और उसमें कभी कभी टाइम लगता है। जैसे दो दिन हो गए मैंने फेसबुक मैसेंजर चेक नहीं कर सका क्योंकि टाइम नहीं था ना रोज, आजकल रमजान में वैसे भी टाइम शॉर्ट होता है, स्टाफ भी चला जाता है। तो बराए करम इंतजार कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई आपको सवाल हो तो छोटा, और अगर मैं जवाब दूं तो आप उस ऑफिस को कांटेक्ट करके सवाल, जैसे सना आपको सारे सवाल के जवाब दे सकती है, सारे वर्कशॉप्स की है माशाल्लाह, रिकी मास्टर भी है, सोनिया के पास भी एक्सपीरियंस है, अदनान के पास भी बहुत एक्सपीरियंस है, अदनान सारे वर्कशॉप में होता है और अदनान भी आपको जवाब दे सकता है। तो ये तीन लोग हैं, उसके अलावा हमारे अल्लामा साहब जो गायब है आजकल, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आई एम एक्सपीरियंसलेस। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उरूज के पास है, मगर उरूज बिल्कुल ट्रैवल बहुत करती है और उरूज जवाब, द रीजन बीइंग मैं कह रही हूं क्यों नहीं है, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि जिस दिन तुमने सोचा तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उस वक्त नई चीजें सीख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोगों से, आई एम एन एम्प्टी वेसल। अच्छा एक मैं उनको एडवाइस दे के खत्म करूं, फिर परसों हम, अच्छा मैं जा रही हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे भी हॉट डॉग्स बनाने हैं, सो आई एम गोइंग। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट यू नो नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे टुमारो। सर आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच। आज का शो एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट मेकिंग इट अप जस्ट फॉर यू, हम लोग ऑनलाइन है, जितना मैंने आज नया सीखा है आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। So again, I'm saying whenever I listen to you, I always learn something new because you are always new. So you take care of yourself, everybody. मैं आपके सबके नाम लेके हम Friday को balloting करेंगे। मैं सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आऊँगी, so Dr. Moiz will be with you. You will not have any interruption like me while he's talking. So take care of yourself. Have a good night, and I love you all, and I love you, Dad, and I love Pakistan. Thank you, beta. Give my regards to. और दुआ में याद रखना। अच्छा जी, मैं चंद बातें करूं उसके बाद आपसे रुख्सत लूं। परसों लास्ट प्रोग्राम होगा रमजान का, क्योंकि फिर हम चाहते हैं कि आप लोग जाहिर घर से बाहर रात को जाएं, बच्चों के लिए अपने लिए शॉपिंग वगैरह करते हैं। मैं नॉर्मली ईद पर शॉपिंग नहीं करता, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मैं कोशिश करता हूँ, ये बताने की बात सिर्फ इसलिए कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ, इंस्पायर कर सकूँ, दूसरों को शामिल करें, उनको हमारे गलियों में स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे जो सड़कों पे सोते हैं, उनके लिए कुछ खरीद के दे दें उनको, जो भी आपको अल्लाह ने इस्तेआत दी है कुछ कर सके करें। ईद के दिन के लिए हवाले से मैं एक दफ़ा आऊँगा आपके पास, ईद से पहले लाइव आऊँगा और आपको बताऊँगा कि ईद के दिन आपने क्या करना है। अच्छा अब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, और इन्फॉर्मेशन इसलिए देना चाहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ सीखना हो तो उसके लिए एक शर्त होती है। एक शख्स तो बहुत स्ट्रेस में था, बहुत टेंशन में था, बहुत बड़ी कंपनी का ओनर था, बिलियनर आदमी था, अपना उसका हवाई जहाज था, वो नाइट पिल्स खाता था, यानी रात को सोने के लिए दवाई लेता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, यार तुम रात भर दवाई लेते रहते हो, इतना स्ट्रेस है तुम्हें, नींद तुम्हें आती नहीं है, तो एक काम करो, तुम एक शख्स है उसके पास मैं तुम्हें भेजता हूँ, वो किसी और मुल्क में रहता है, वहां तुम हफ्ता 10 दिन उसके पास जाके रहो, वहां एक कैंप लगता है, उस कैंप पे वो सिखाते हैं स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना। खैर जी, उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, सेक्रेटरी ने उस जगह पे बुकिंग कर दी और यहाँ से अपने प्राइवेट हवाई जहाज में जाकर वो उस मुल्क गया, वहाँ उस बड़े से खानकाह था वहाँ पे चला गया, वहाँ उनके जो गुरुजी से उनसे पहली मुलाकात हुई, उसने कहा जी मैं इतना बड़ा हूँ, ये है वो, स्ट्रेस बहुत है मेरी ज़िंदगी में, रात को नींद नहीं आ। उसने कहा ठीक है, रोज तुम मुख्तलिफ चीजों से गुजारोगे, कुछ वर्जिश करोगे, कुछ मेडिटेशन करोगे, रोज शाम को तुम और मैं अकेले कुछ देर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, पहली शाम वो सुबह सवेरे मुख्तलिफ एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन, योगा वगैरह कर करके फारिग हुआ, शाम को गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने उससे कहा बैठो मेरे पास, बैठे बातचीत की, और उसने पूछा आप मुझे बताइए कोई सीक्रेट बताइए। अच्छा ये टिप, हम बैसे दे कौम इसी चक्कर में होते, टिप कोई टिप मिल जाए।
इन चीजों में टिप नहीं होती, टिप उसके लिए होती है जब कपड़े पे दाग लग जाए, उसके लिए टिप बताई जा सकती है आपको, जहन की दुनिया के लिए टिप नहीं होती, करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एनीवे उसने गुरुजी ने कहा कल आ जाओ, कल गया शाम को, दूसरे दिन गया, उसने फिर थोड़ी देर बात की गुरुजी ने उससे, फिर कहा तुम फिर कल आ जाना। अब ये रोज जाता रहा, उसको कोई नई चीज नहीं सिखाई जा रही, वो समझ के आया था कि कोई उसको ऐसी टिप दे देंगे कि जिससे उसकी दुनिया बदल जाएगी। जब आखिरी दिन था, उसकी फ्लाइट थी रात को, वो गुरुजी के पास बड़े गुस्से में गया और कहा कि क्या मुसीबत है, मैं इतना बड़ा आदमी, इतना इंपॉर्टेंट आदमी, अपने काम काज छोड़ के आया हूं तो आपके पास कि मैं स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका बताओ, मुझे कुछ सिखाओ, मगर मैं रोज शाम को तुम्हारे पास आता हूं, तुम मुझे कोई नई चीज नहीं सिखाते। उसने कहा रुको, इशारा किया, अपने एक शागिर्द को इशारा किया, वो एक ग्लास लेके आया और एक जग था, मग था, उसमें पानी था। उसने खाली ग्लास के अंदर पानी डालना शुरू किया, जब बिल्कुल पानी ऊपर तक आ गया, उसने उस अमेरिकन से कहा अब गौर से देखो। उसने मजीद पानी डाला, अब वो जो ऑलरेडी ग्लास तो फुल था, जो पानी डालता पानी नीचे गिर जाता। अमेरिकन समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। गुरु जी ने पूछा कुछ समझ में आया, कहता नहीं। कहता देखो, अगर ग्लास भरा हुआ हो, मैं कुछ भी उसमें डालू वो नीचे गिर जाएगा। तुम मेरे पास आए, इतने दिन रहे, तुमने अपने जहन को खाली नहीं किया, जब जहन खाली नहीं होगा तो मैं नई चीज कैसे डाल सकता हूं। तो कुछ दाना लोग जो है मेरे पास ये कह गए कि डॉक्टर साहब आप जो असल चीज सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं, अनलर्न वॉट एवर यू हैव लर्न, जो कुछ तुमने सीखा है जिंदगी में उसे अपने जहन से निकाल दो, तब कुछ नई चीज तुम सीख सकोगे। और हम यही करते हैं मैं और रूज, कि हम आपके माइंड से वो चीजें जो जगह नहीं पैदा होने देती, कोई नई चीज नहीं डालने देती, उसको हम बाहर निकालते हैं ताकि नई चीजें डाल सके। अगर कभी आप मेरी ऑफिस में आएंगे तो मेरे ऑफिस में जो मेरा कमरा है, बाहर एक तख्ती लगी हुई है और उस तख्ती पे मैंने लिखा हुआ है, लोग आके पढ़ते हैं हैरान हो जाते हैं, लीव योर ईगो विथ योर शूज हियर, यानी आप अपने जूते तो बाहर उतारते हैं, साथ साथ अपनी ईगो, मेरी नोइंग, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं इतना कुछ जानता हूं, सब छोड़ दो बाहर, जब मेरे पास अंदर आओ तो तुम खाली आओ, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, परसों आपसे मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अपना नाम, सीडी और शहर लिखा है उनको हम बैलेटिंग में शामिल करेंगे। और ये याद रहे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मैं आपका नाम नहीं डालूंगा, सिर्फ यहीं पे जो लोग मौजूद हैं लाइव और जो वीडियो शेयर करेंगे, मेरी ऑफिस कल चेक करेगी, उन लोगों के नाम डालेगी बैलेटिंग में और ये सीडी आपको मिलेगी, दो में से कोई भी एक, एक माइंड पावर, एक स्ट्रेस पावर, एक माइंड पावर, दोनों पावर के ऊपर है। अपना ख्याल रखिएगा, ताक रातें शुरू हो चुकी हैं, कोशिश करें इन ताक रातों में जितनी नेकी कर सकें आप, इबादत तो अपनी जगह नेकी करें, अपने घर से निकले, किसी का ख्याल रखें, कोई यतीम खाने जाएं, कोई ऐसे अस्पताल में जाएं जहाँ गरीबों का इलाज हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ देखें किसी को ज़रूरत हो किसी चीज़ की, अगर किसी के चेहरे पे आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए तो यकीन कीजिए वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेकी होगी और बहुत बड़ी इबादत होगी। वो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगा। आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें, परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।